नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 3 रंगों की स्वेटर डिजाइन लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस डिजाइन को डालने से पहले हमने इसमें 29 फंदे डाले हैं, 29 फंदे और 3 सलाई हमने वाइट कलर से बुनाई किया है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। और उसके बाद हमने 2 राउंड एक सलाई उल्टा और एक सलाई सीधा पर्पल कलर से बुना है। इसके आगे हम आपको डिजाइन बताएंगे इसे कैसे डालना है। सबसे पहले हम 5 फंदे इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये 3 फंदे हो गए, 1 2 3, ये 4 फंदे और ये 5 फंदे। और इसके बाद हम येलो कलर के धागे से 3 फंदे बुनेंगे। एक 2 3, और उसके बाद 5 फंदे हम ब्लू कलर के धागे से बुनेंगे। 2 2 4 और ये 1 5, ये 5 फंदे हो गए। और 3 फंदे हम येलो कलर के धागे से बुनेंगे। 5 फंदे हम ब्लू कलर के धागे से बुनेंगे। 3 फंदे हम येलो कलर के धागे से बुनेंगे। ये डिजाइन सीधे साइड से पड़ रहे हैं। 3 4 और ये 5, देखिए लास्ट में भी 5 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 फंदे, और 5 5 फंदे का गैप दे करके हमने 3 3 फंदे येलो कलर से बुना है। और उल्टे साइड से हम ब्लू पर ब्लू कलर से बुनाई करेंगे और येलो पर येलो कलर से बुनाई करेंगे। धागा पीछे करके बुनेंगे, पीछे साइड से इस तरह से। और ये 3 फंदे येलो कलर के हैं, ये 3 फंदे को हम येलो कलर से बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। और ये 5 फंदे हम ब्लू कलर के धागे से बुनेंगे। इसी तरह से दोस्तों, हम उल्टे साइड से ब्लू पर ब्लू धागे से बुनाई करेंगे और येलो कलर के फंदों पर हम येलो कलर से बुनाई करेंगे। इसमें सीधे साइड से डिजाइन बनता है। ये हमारी उल्टे साइड की बुनाई पूरी हो गई। अब हम सीधे साइड आ गए और सीधे साइड से देखिए, अब हम इधर 2 3 4 5, ये 5 फंदे अपने पहले से बुने हुए थे। 5 5 फंदों की ये बीच बीच में जो हमने फंदे डाले हैं वो हैं, और ये जो 3 फंदे हैं ये अब बीच में 1 फंदे बचेंगे। ये 5 फंदे से 6 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। और इस धागे से हम इसे इस फंदे को टाइट कर देंगे ताकि ढीला ना होने पाए। और 1 फंदा हम येलो कलर से यहाँ बुनेंगे इस तरह से। और ये जो 1 फंदा येलो है इसे भी हम ब्लू कलर के धागे से बुन देंगे। तो इस तरह जो यहाँ 5 फंदा था वो 6 फंदे हो जाएंगे, और 1 येलो कलर को भी हम ब्लू कलर से बुन देंगे तो ये बीच के फंदे 7 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ ये येलो कलर का 1 फंदा बचा है, और यहाँ हमने 1 2 3 4 5 और 6, और ये 1 येलो कलर हम ब्लू कलर से बुन देंगे। ये देखिए ये 7 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से बनेगा। और 1 फंदा जो बीच वाला है उसे हम येलो कलर के धागे से बुनेंगे।
ये धागा दूसरा लगाते समय इसे हम इस तरह से पीछे का खींचते जाएंगे, नहीं तो ये जो डिजाइन है ये सिकुड़ जाएगी। ये सीधे तरफ की डिजाइन कंप्लीट हो गई। जो तीन तीन फंदे येलो कलर के थे वो एक एक फंदे यहाँ बन गए। और उल्टे साइड से हम वैसे ही बुनेंगे, येलो कलर के फंदों को हम येलो कलर से बुनेंगे और ब्लू कलर के फंदों को हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। दोस्तों हमने पीछे साइड से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको सामने साइड से बताती हूँ। सामने साइड से हमें दो फंदे बुनने हैं और तीसरे फंदे को हमें येलो कलर से बुनना है। सिर्फ एक फंदा हम बुनेंगे येलो कलर से। और ये जो दो येलो कलर के जो ये फंदे हैं इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 फंदे हैं तो उनमें से हम 3 इस साइड करेंगे और 3 फंदे इस साइड, और जो ये बीच का एक फंदा बचता है इसे हम येलो कलर से बुनेंगे। तो देखिए अभी हम इन फंदों को ब्लू कलर से ही बुन लेंगे। ये येलो कलर के बाद हमने 3 फंदे ब्लू कलर से बुने और ये जो चौथा फंदा है इसे हम येलो कलर से बुन लेंगे इस तरह से। और फिर ये 3 फंदों को भी हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। इस तरह से देखिए ये जो दो येलो कलर के फंदे हैं, ये एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच 1 2 3 4 5 6 7 सात फंदे ब्लू कलर के हो गए। और देखिए ये इसी तरह से हम बुनेंगे। ये येलो कलर के बुनने के बाद 3 फंदे हम ब्लू कलर के बुनेंगे और ये चौथा फंदा है इसे हम येलो कलर से बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से 7 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा येलो कलर का बुनेंगे। येलो कलर के फंदों को हम येलो कलर से बुनेंगे और ब्लू कलर के फंदों को हम ब्लू कलर के धागे से बुनाई करेंगे। ये हमारी उल्टे साइड की बुनाई कंप्लीट हो गई और अब हम सीधे साइड आ गए। सीधे साइड देखिए, एक फंदा हमने ब्लू कलर से बुना और दूसरा फंदा येलो कलर से बुन लिया। और इसे जो पहले से ब्लू सॉरी येलो कलर से बुना हुआ था इसे भी हम येलो कलर से ही बुनेंगे और तीसरा फंदा भी हम येलो कलर से बुन लेंगे इस तरह से। एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से ये 5 फंदे फिर से आ गए। जो 7 फंदे हो गए थे ये 5 फंदे हो गए। इस तरह से देखिए हम यहाँ आकर के हम फिर से 3 3 फंदे येलो कलर से बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम बीच में 5 फंदे ब्लू कलर से बुनेंगे और 3 फंदे येलो कलर से बुनेंगे। देखिए दोस्तों हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सामने साइड आ गए। सामने साइड से अब हम व्हाइट कलर का धागा लगाएंगे जो हमने एकदम नीचे लगाया हुआ है। पहले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे और ये जो येलो कलर के 3 फंदे हैं इसे हम व्हाइट कलर से बना लेंगे। ये 3 फंदे व्हाइट कलर से हमने बुन लिए और एक फंदा
हम येलो कलर से बुनेंगे। यहाँ हम ये ब्लू कलर का धागा छोड़ देंगे, ब्लू कलर से बुनाई नहीं करना अब हमें। ये तीन फंदे हमने वाइट कलर से बुना और एक फंदा हम येलो कलर से बुनेंगे और फिर तीन फंदा वाइट कलर से। इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। और अब हम यहाँ व्हाइट कलर के धागे से बुनाई करना बंद कर देंगे और ब्लू कलर और येलो कलर लगाएंगे। और देखिए अब हम पांच फंदे फिर से ब्लू कलर बुनेंगे। ये जो तीन फंदे हमने व्हाइट बुने थे उसे भी हम ब्लू कलर से बुन लेंगे और एक येलो कलर। इस तरह से हमारा ये पांच फंदा ब्लू कलर का हो गया। और तीन फंदा हम येलो कलर से बुनेंगे। ये एक दो और तीन, तीन फंदे येलो कलर से और पांच फंदे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। ये एक दो तीन चार और ये पांच। दोस्तों ये जैसा हमने शुरू में बुनाई किया था उसी तरह से यहाँ फिर से बुनाई शुरू हो रहा है। ये इसी तरह से पांच ब्लू और तीन येलो कलर से पूरे कंप्लीट होंगे। ये देखिए दोस्तों सीधे साइड से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे साइड से येलो पे येलो और ब्लू पे ब्लू कलर से बुनाई करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम सीधे साइड आ गए हैं और सीधे साइड से जो ये तीन फंदे येलो कलर के थे वो अब बीच में एक फंदे बचेंगे और ये किनारे साइड के दोनों साइड के छः छः फंदे हो जाएंगे और बीच में जो पांच फंदे हैं ये सात सात ब्लू कलर के हो जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ बुनाई किया उसी तरह हम इसके ऊपर बुनाई करेंगे। और अब दोस्तों हम ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए एक एक बचेगा येलो कलर का और सभी फंदे ब्लू कलर के हो जाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई। जैसा हमने नीचे बनाना बताया उसी तरह से हमने इसे ऊपर भी बनाया है। दोस्तों यदि हमारी ये डिजाइन आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल समृद्ध क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।